सो फ्रेंड, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फेसबुक पर फॉलो बटन आप कैसे लगा सकते हैं, जो कि इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ के साथ हम आपको लगा के दिखाएंगे। तो आप इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो फ्रेंड, फेसबुक ने एक न्यू अपडेट लॉन्च किया है, जिसमें आप अपने फेसबुक पर फॉलो बटन आप बहुत आसानी तरीके से आप लगा सकते हैं। इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ के साथ हम आपको लगा के दिखाएंगे। तो चलिए फिर बिना किस तरीके हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, सबसे पहले तो इधर आपको करना है कुछ नहीं, और सिंपल से प्ले स्टोर में आ जाना है। प्ले स्टोर में आप जैसे ही आते हैं तो आपको इधर फेसबुक लिखकर सर्च कर देना है। जैसे ही आप फेसबुक इधर लिखकर सर्च करते हैं, सो फ्रेंड आप जैसे ही फेसबुक लिखकर सर्च करते हैं तो इधर आपको चेक कर लेना है। अगर आपके पास इधर अपडेट वाला ऑप्शन दिखा रहा है तो अपडेट कर लेना है। अगर आप अपडेट नहीं करते तो क्या पता आपके फेसबुक फॉलो बटन आपको ना मिले, तो उधर आपको चेक कर लेना है। उसके बाद ही आपको अपने फेसबुक को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करते हैं अपने फेसबुक को, तो आपके सामने एक नया इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। मैं इधर होम स्क्रीन पर हूँ, एंड आपको भी होम स्क्रीन पर आ जाना है। जैसे ही आप होम स्क्रीन पर आ जाते हैं तो इधर आपको देखने को मिले ऊपर साइड में 3 डॉट वाला ऑप्शन, जो कि आप देख सकते हैं। इस पर आपको फाइनली एक बार क्लिक कर देना होगा। देन आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस देखने को मिल जाता है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका जो प्रोफाइल आइकन है वो आपको देखने को मिल जाता है, तो इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज देखने को मिल जाता है। सो फ्रेंड, इधर आपको करना कुछ नहीं होगा, इधर आपको देखने को मिले एड स्टोरी, एंड उसके राइट साइड में इधर आपको 3 डॉट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। इधर आपको इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो इधर आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एंड आपको इधर कहीं भी देखने को नहीं मिल कैसे आप अपने फेसबुक पर फॉलो बटन लगा सकते। बैक आप जैसे ही आते हैं तो इधर आपको फिर से बैक आ जाना है। बैक आप जैसे ही आते हैं तो आपको इधर देखने को मिलेगा सेटिंग वाला ऑप्शन, जो कि आप देख सकते हैं। आपको इधर सेटिंग्स वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। सो फ्रेंड, आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको इधर देखने को मिली है 3-4 ऑप्शन, जो कि आप देख सकते हैं। तो इधर आपको करना कुछ नहीं हो, इधर आपको देखने को मिली है सेटिंग्स वाला ऑप्शन, जो कि आप देख सकते हैं। फिर से आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज देखने को मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। इधर आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप जैसे ही इधर आ जाते हैं तो इधर आपको करना कुछ नहीं हुआ, सिंपल से आपको इधर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है कुछ इस तरह का। आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो इधर आपको देखने को मिले फॉलोअर्स एंड पब्लिक कॉन्टेंट, जो कि आप देख सकते हैं। आपको सिर्फ साफ साफ देखने को मिले फ्लावर्स एंड पब्लिक कंटेंट, तो सिंपल से आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज देखने को मिल जाता है फ्लावर्स एंड पब्लिक कंटेंट, इधर आपको ऊपर साइड में देखने को मिल जाए, एंड नीचे साइड में ये देख सकते हैं आपको पब्लिक वाला ऑप्शन, इसी पर आपको रखना है, ठीक है। एंड उसके नीचे भी आपको इधर इसको भी पब्लिक पर रखना है। जैसे ही आप पब्लिक पर रखते हैं तो फिर से आपको देखने को मिल जाए पब्लिक वाला। पास इधर फ्रेंड वाला ऑप्शन दिखा रहा है, तो इसको भी आपको एवरीवन पर कर देना है। इधर आपको देखने को मिले फ्रेंड वाला ऑप्शन, इसी पे आपको रखना है, ठीक है। बल्कि आपको इधर इसको पब्लिक नहीं करना है, इसको आपको फ्रेंड में ही रखना है। एंड उसके बाद फ्रेंड इधर आपको बैक आ, सो फ्रेंड आप जैसे ही बैक आते हैं तो इधर आपको और छोटा सा एक सेटिंग कर लेना है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं इधर आपको नीचे देखने को मिले है, आप देख सकते हैं इधर आपको हाउ पीपल कैन फाइंड योर कॉन्टेंट यू, तो इस पर आपको फाइनली एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज देखने को मिल जाता है। सो फ्रेंड इधर आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल से आपको देखने को मिल हु कैन सेंड यू फ्रेंड रिक्वेस्ट, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगी। इसका मतलब ये हो फ्रेंड कि आपके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट जो भेज किस तरीके से भेजेंगे, इसी का मतलब यही हुआ, ठीक है। एंड उसके बाद फ्रेंड इधर आपको देखने को मिल जाएगी एवरीवन वाला ऑप्शन, जो कि आप देख सकते हैं ऊपर साइड में, इस पर ही आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप एवरीवन पर क्लिक कर देते हैं, एंड उसके बाद आपको इधर बैक आ जाना है। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि हमारा जो है फेसबुक पर फॉलो वाला ऑप्शन आया है फिर नहीं। तो सिंपल फ्रेंड आप देख सकते हैं मैं इधर बैक आ गया। बैक आने से आप फिर से अपने 3 डॉट पर क्लिक करते हैं तो फिर से आपको इधर प्रोफाइल वाला आइकन देखने को मिले, इस पर क्लिक। जैसे आप क्लिक करते हैं प्रोफाइल वाला आइकन पर, तो जो कि आप देख सकते हैं मेरा इधर स्टोरी देखने को मिले, उसके राइट साइड में आपको 3 डॉट वाला ऑप्शन देखने को मिले, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं इधर आपको व्यूएस वाला ऑप्शन देखने को मिले, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं जो जो कि आप देख सकते हैं इधर हमारे पास इधर फॉलो वाला ऑप्शन देखने को मिले। सो फ्रेंड आप देख सकते हैं मेरा इधर फॉलो वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एंड आपका इधर फॉलो वाला ऑप्शन जब आ जाता है तो आपका जो प्रोफाइल है वो थोड़ा प्रोफेशनल देखने को मिल जाता है। सो फ्रेंड आप इस तरीके से अपने फेसबुक में फॉलो बटन का ऑप्शन ला सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, एंड अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इधर ऐसे ही वीडियो देखने को मिलता है जिससे कि आपको कुछ ना कुछ फायदा हो सके। अगर आपका इस ट्रिक से भी नहीं हो रहा है तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उधर आपको कोई से भी रिप्लाई दे दूँ। सो फ्रेंड आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं किसी से ही नेक्स्ट वीडियो में।